आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। होशंगाबाद तहसील डोलरिया के अंतर्गत आने वाले ग्राम सेल में कोरोना महामारी को देखते हुए सरपंच सचिव द्वारा आज पूरे गांव में सैनिटाइजर कराया गया, जिसमें कि ग्राम के प्रदीप गौर और ने रोग और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने हेतु औषधियों का काढ़ा बनाकर ग्राम में निःशुल्क वितरण किया। औषधि कड़ी नीम, गिलोय, सौंठ पाउडर, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी इत्यादि वनस्पतियों को उबालकर काढ़ा बनाया गया। प्रदीप गौर ने बताया कि हमारे देश में जो महामारी चल रही कोरोना नामक COVID-19 कोरोना महामारी को देखते हुए बड़े शहर से छोटे शहर और अन्य गाँव में भी अब ये महामारी का प्रकोप देखने को मिला है। जैसे बचने इम्यूनिटी बूस्ट करने वाली चीजों के सेवन की समझाइश दी गई। में कोरोना महामारी बड़ी तेज गति से फैल रही है। एक दिन में 80,000 मरीज निकले हैं। कल हमारे गांव सेल में भी कोरोना का एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है। इसलिए कोरोना जैसी महामारी जब तक इसका कोई इलाज नहीं है तब तक सावधानी ही कोरोना से बचा सकती है। इसलिए सरकार के निर्देशों का पालन करते ही रहना चाहिए, साथ ही अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय का काढ़ा, उसके साथ में काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और पारिजात, साथ ही मीठी नीम, इन सबको डालकर काढ़ा बनाया जा रहा है। ये गाँव वासियों के लिए, जिनको लग रहा है कि उनको सर्दी खांसी बुखार आ रहा है, उन्हें यह काढ़ा उनके लिए बनाया जा रहा है और यह निःशुल्क सेवा है, जिससे कि कोरोना महामारी के इस दौर में लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएँ और अपने शरीर की रक्षा करें। क्योंकि अब जब तक कोरोना के साथ ही जीना होगा, कोरोना से बचना होगा, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक कोरोना के बीच में ही हमको जीवन जीने की शैली को अपनाना पड़ेगा और सावधानियों को रखना बहुत ज़रूरी है। मास्क अनिवार्य है, गांव में एकदम मास्क लोग लगा नहीं रहे हैं, जिसके कारण शहरों में तो जितना खतरा था उससे ज़्यादा कहीं खतरा गाँव में, क्योंकि गाँव में लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा होता है। इसलिए मास्क अनिवार्य रूप से लगाएँ गाँव में रहते हुए, ये गमछे से की बजाय मास्क का ही ज़्यादा उपयोग करें और कोरोना से बचने के लिए काढ़ा घर पे भी बना सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। होशंगाबाद से प्रवीण कौर की रिपोर्ट।